मैं एक एक कैंडिडेट वाइज पोटेंशियल। कैंडिडेट वाइज आपको बताना पड़ेगा मैडम। यस और आपने 5 इवेंट करवाए ना, यस पांचों इवेंट का बताना पड़ेगा कि किसने कितना किया। यस उसके बाद ये चीज हम देखेंगे, उसके बाद आई विल एग्जामिन यस सर व्हाट यू आर गोइंग टू स्टेट और सबमिट फ्रॉम द वीडियोग्राफी विच यस यू हैव डन। अगर इसमें कहीं भी फर्क मिला कि वीडियो जो आप इसमें लिखे आपके चार्ट में है, जो आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, और वीडियोग्राफी में कहीं पे भी अंतर दिखा, तो जो भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने भी रिक्रूटमेंट किया होगा, सबके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा। तो आप जो भी बता रहे हैं, अगर यू आर कॉन्फिडेंट दैट द जानकार जो भी इंफॉर्मेशन यू आर पासिंग टू दिस कोर्ट आर एक्स करेक्ट, यस देन पास इट। यस अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है कि नहीं इसमें गलत हो सकती है, यू कैन टेक टाइम, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम रिकॉर्ड, वीडियोग्राफी रिकॉर्ड, एंड देयर आफ्टर यू कैन सबमिट। यस यस मैडम, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, सर जितनी याचिकाओं के सर नंबर्स मेरे पास हैं, ये सारे पार्टिसिपेंट फिजिकल में अपीयर हुए थे सर। इसमें से केवल एक जो विकास कुमार है, याचिका क्रमांक 132/2013 में, सर ये पार्टिसिपेट नहीं किया है सर। उसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। बट दे कुड नॉट क्वालिफाई। यस सर, इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाइड हुए हैं और बाद में सिलेक्शन लिस्ट में भी हैं सर। सेलेक्ट हो गए हो? कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है सर, जिसमें ये बुलवाइए मिस्टर गुप्ता, सबको कि बुलाइए, पिटिशनर्स को। इन पूरे याचिकाओं में से सर 3 लोग हैं जो बाद में सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। कौन किसका किनका नियुक्ति हो गई, किनकी किनकी हो गई नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसका किसका हो गया मैडम? लिस्ट सर बनाया इसमें आपने से कोई, 3 लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया है सर। किसका किसका एक सब इंस्पेक्टर मनोज तिर्की है सर, कहाँ बट पे? सर अनफॉर्चुनेटली सर 3-4 महीने पहले उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया है पिटीशन नंबर सर। पिटीशन नंबर मनोज तिर्की सर सीरियल 3579/2013। 3579। यस सर, ST कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे सर ये। और बस तीन ही, जितीन का सिलेक्शन हुआ है सर। और बाकी लोगों का आपने वो वीडियो तो बनाते हैं ना आप लोग, लाए हैं आप? जी सर, सर आप 2017 लोग कहना में हम क्या लोगों ने था? उसको सबमिट कर दिया था। चार्ट कि हम इतने सेकंड में दौड़ेंगे तो इतना नंबर मिलेगा, बट दे हैव गिवन 0-0 मार्क्स इन बोथ रेस। अच्छा, यस यू मैडम। कैन एक्सप्लेन अलॉट, ये 0 मार्क्स कैसे दिया गया आपको? सर जो हमारी SOP है भर्ती की प्रक्रिया का, 2006 में बनी थी, और इसमें शेड्यूल 5 में ये डिस्क्राइब है कि कितने मार्क्स किस इवेंट में दिए जाने हैं सर। इसमें 2 लिस्ट बनी हुई है, एक पुरुष की लिस्ट अलग है, महिलाओं का क्राइटेरिया अलग है और पुरुष का अलग सर। इसमें 5 टोटल इवेंट होते हैं सर, जिसमें एक लंबी कूद है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, शॉट पुट है सर, 100 मीटर रेस है एंड 1500 मीटर का रेस है। 5ों इवेंट के फुल मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स के होते हैं सर, और इस तरह से टोटल 300 मार्क्स का फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है सर। हर जो 3 टेस्ट है उसको हम फिजिकली इक्विपमेंट से करते हैं, जिसमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और शॉट पुट है सर, क्योंकि उसका फिजिकल मेजरमेंट होता है। 2 इवेंट ऐसे हैं सर, 100 मीटर की रेस और 1500 मीटर की रेस। इसको टेक्निकल सपोर्ट लिया गया था सर, इसमें एक टेंडर किया गया था SOS कंपनी के द्वारा के साथ में, और उस कंपनी के साथ में MOU साइन करके उस कंपनी के माध्यम से कराया गया था। जो भी कैंडिडेट रनिंग करता था सर, वो एक जैकेट वियर करता था जिसमें RFID कार्ड्स लगे हुए होते थे और उसके सेंसर ऊपर टाइम स्टार्टिंग रिकॉर्ड पॉइंट होता था एंडिंग पॉइंट कितने पे समय रहता उसने था, दौड़ा है। यस तो वो उसको ऑटोमेटिकली लेता था। yes. और इनका जो टाइम स्लैब्स बने हुए, अलग अलग स्लैब्स, 5 स्लैब्स बने थे सर हर इवेंट के। जैसे अगर 1500 मीटर की रेस थी, तो अगर कोई महिला उम्मीदवार 6 मिनट तक उसको कंप्लीट कर लेती, 6 मिनट के समय तक अगर कंप्लीट करती तो उसको 60 मार्क्स मिलते सर, आउट और ऑफ 6 मिनट से आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 60, सिक्सटी फुल मार्क्स से मार्क्स 60 मार्क्स सर। अगर 6 मिनट से 6 मिनट 10 सेकंड के बीच में अगर वो कंप्लीट करती, मतलब अप टू 6:10 अगर वो कंप्लीट करती सर, तो वो 48 मार्क्स मिलते। अगर वो 6:10 से 6:20 के बीच में अगर करती तो 36 मार्क्स उसको मिलते।
अगर 6:20 से 6:30 के बीच में करती सर तो 24 मार्क्स मिलते। 6:30 से 6:40 तक करने से 12 मार्क्स मिलते, और 6:40 से अगर कुछ भी प्लस होता सर तो उसको 0 मार्क्स मिलते। तो सर ये अलग अलग टाइम स्लैब्स पे था। अगर वो टाइम पर्टिकुलर जो भी उसने ऑप्टेन किया होगा वो माइक्रोसेकेंड्स में भी अगर प्लस होता सर तो फिर अकॉर्डिंगली जीरो मार्क्स मिलते। मिलते। यस सर। तो इसलिए इसके कोई इनके मार्क्स टाइमिंग क्या थे? चार्ट बनाया आपने? इसकी क्या टाइमिंग थी? पिटिशनर पिटिशन वाइज पिटिशनर वाइज है एसओपी का पार्ट है ये, नहीं हमको प्रोसीजर। बताइए किसने कितने देर में किया था। ये तो हो गया फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या था? सर मेल के लिए 1500 में सर जो छह सेकंड मिनट का क्राइटेरिया था मेल के में 5 मिनट का था सर। 5 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 5 मिनट, 20 सेकंड, 5 मिनट, 30 सेकंड, ऐसे उसके भी 5 स्लॉट्स थे सर। और 5 मिनट और 40 सेकंड में अगर वो कवर करता तो उसको मतलब उससे अगर ज्यादा समय लेता 5 मिनट 40 सेकंड से तो उसको 0 मार्क्स मिलते सर। 100 मीटर में आपका 12.5 सेकंड से स्टार्ट होता है, यस सर। और मैक्सिमम जा रहा है 16.5 में ही जीरो हो जाएगा। यस सर। 15.5 to 16.5 सेकेंड, 12 नंबर। आप इसमें ये बताइए, या इसमें जो मेल हैं इसमें कितना किसने कितने देर में दौड़ा है? 100 मीटर से स्टार्ट करिए सर आप, मैं एक एक कैंडिडेट वाइज क्योंकि बोलती। कैंडिडेट वाइज आपको बताना पड़ेगा मैडम। यस और आपने 5 इवेंट करवाए ना, यस पांचों इवेंट का बताना पड़ेगा कि किसने कितना किया। यस उसके बाद ये चीज हम देखेंगे, उसके बाद आई विल एग्जामिन यस सर। व्हाट यू आर गोइंग टू स्टेट और सबमिट फ्रॉम द वीडियोग्राफी यस सर। विच यस यू हैव डन। अगर इसमें कहीं भी फर्क मिला कि वीडियो जो आप इसमें लिखे हैं आपके चार्ट में है, जो आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, और वीडियोग्राफी में कहीं पे भी अंतर दिखा, तो जो भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने भी रिक्रूटमेंट किया होगा, सबके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा। तो आप जो भी बता रहे हैं, अगर यू आर कॉन्फिडेंट दैट द जानकार जो भी इंफॉर्मेशन यू आर पासिंग टू दिस कोर्ट आर करेक्ट, देन पास इट। यस अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है कि नहीं इसमें गलत हो सकती है, यू कैन टेक टाइम, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम रिकॉर्ड, वीडियोग्राफी रिकॉर्ड, एंड देयर आफ्टर यू कैन सबमिट। यस सही है ना? बिल्कुल यस सर। ठीक बताइए। आई शुड सर सीरियल नंबर 53, रिट पिटीशन नंबर 1561 ऑब्लिक 2020, यस यस बताएं। सॉरी सॉरी 2013, सुजाता कुमारी सर। सुजाता कुमारी 279 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप उसने किया था जिसमें उसने 12 मार्क्स ऑब्टेन किए थे इन्होंने कितना कूदा था लॉन्ग जंप में? टू सर। 279 सेंटीमीटर्स। 79 यस सर। सेंटीमीटर यस सर। मीन्स 2.79 मीटर। ठीक है, 2.79 मीटर। कितना कितना? ठीक है ठीक है, चार्ट में आ तो गया है, जो आपने जवाब में क्यों नहीं देखा? आपने चार्ट में देखा आपने कितना कूदा था? चार्ट में बताया इन्होंने कितना कूदा है? नहीं बताया आपने। यस सर। ये करना चाहते हैं। जो चार्ट आपने रिप्लाई में लगाया है इसमें आपने बताया कि यस किस सर। इवेंट में इन्होंने कितना परफॉर्म किया है? यस सर। डाटा का नंबर है सर 1083, सीरियल नंबर 1083। सर उसकी हेडिंग LJ लिखी हुई है सर। 1083 हाई जंप में इनका सर देन हाई जंप में उसने 97 90। सेवन मिला, इनको 24 मिला। ठीक यस सर। है, एसपी मींस सर शॉर्ट पुट शॉर्ट गोला पुट, फेंक। शॉर्ट पुट 5.70, इनको 24 मिला। यस 100 मीटर में 70.06, 24, एंड 5:30 इसमें है सेकेंड्स हैं, तो इसमें जीरो। यस सर। तो ये 5:30 यानी कहाँ पहुंच गए ये? 5:30 यानी 5 मिनट 30 सेकंड में इतना 5 मिनट नहीं हुए, आपकी गणित बहुत कमजोर है। ऐसे कुछ 5 सेकंड में 530 सेकंड है, कितने मिनट हुए? जी बोल दोगे आप, 6:48 हो गए, 8 मिनट से ऊपर हो गए। यही पढ़ते हो गुप्ता जी, यही करोगे आप? 530 सेकंड्स लिखे हैं, तो उसके मिनट कितने यस होंगे? 8 मिनट 50 सेकंड। हाँ इट इज टाइम इन सेकंड्स ना। यस सर। एंड फिजिकल टोटल मार्क्स इज तो ये 83 इसमें सर। जीरो जीरो मिल गया, तो टोटल इनको कितना मिला?
फिजिकल मार्क्स 84 है सर। इनका मेरिट पे कितने नंबर आया था टोटल? एक्चुअली सर मेरिट लिस्ट सिर्फ जो फिजिकल क्राइटेरिया पास किए हैं उनका बना है सर, ये पास नहीं कर पाए, इनका तो ये फिजिकल का मिनिमम मार्क्स 90 है सर, 30% तो ऑफ मार्क्स ज्यादा है 83 में, सर, 84 है सर, 90 मिनिमम है सर। 84 के 183 ना। सर सुजाता टोटल कुमारी का है टोटल मार्क्स इज 84 सर। पी वन स्कोर सॉरी 159। उसमें सर वो जो आपके पास चार्ट है उसमें टोटल स्कोरिंग चार्ट नहीं दिया होगा। सर 50 सॉरी सर 12 + 24 + 24 + 24 इज 84 कट ऑफ मार्क्स 90 है तो यस, इनका नहीं हुआ, जो नहीं ना आप सर कंसिडरेशन वो में नहीं आए। फिजिकल में नहीं आ पाया सर। ये किनका है? ये केस ये सुजाता कुमारी है सर, सुजाता सीरियल कुमारी नंबर का 53 किसके पास है, फाइल किसके पास है? विनय पांडे, शैलेंद्र शर्मा, कौन आ रहा है इसमें? तो इनका पिटीशन तो गया। यस मिस्टर शर्मा क्या कहेंगे इसमें? अरे इसमें तो पहले बताइए, इसमें कुछ है? इनका तो क्वालिफाइंग मार्क्स ना भाई, मेरा मैं ये नहीं बताया मार्क्स मेरा, मैं दो दो मार्क्स अभी हम का देख रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं, सामने में आपके हो रहा है, उसके बाद फिर अब क्या जरूरत है? इन माय 381 किसके लिए था, जनरल के लिए सेक्टर कि जनरल के लिए? कौन और जिनने बुलाया से क्लॉज में लिखा हुआ है 15 टाइम्स बुलाना है? सर, ये हमारी एसओपी में भी दिया हुआ है कि टोटल जो पोस्ट है उसके 15 टाइम्स बुलाना है प्रिलिमिनरी एग्जाम के कैंडिडेट्स को। क्लॉज 5 का रोमन 2 तो इसके 15 टाइम्स कितना होगा 381 का? 5715 और आपने कितने बुलाए थे मैडम? सर, यस मैडम, क्यों इसमें कम हुए? अगर मेरिट लिस्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट जो किसी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, चाहे वो ST SC या OBC का हो, और वो अगर थोड़ा ज्यादा मार्क्स ऑप्टेन करता है तो वो उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, भले ही जनरल कैंडिडेट जो होगा वो नीचे चला जाए। तो सर इस आधार पे जब हमने कैंडिडेट्स कॉल किए थे तो इसमें कुछ जनरल सॉरी कुछ रिजर्वेशन कुछ ठीक है उसकी कैटेगरी के बात तो बोल रहे हैं कैंडिडेट्स भाई, भी आपको शामिल। 15 टाइम्स बुलाना था, 381 का 15 टाइम्स 5715 होता है, जी सर। आपने 5681 कैंडिडेट्स क्यों बुलाए? मतलब सर इसलिए क्योंकि नाइनटीन इसमें प्लस 15 24 कैंडिडेट्स, 34 थर्टी कैंडिडेट्स फोर आप और बुलाते तो इनका नाम आ जाता उसमें। यस सर, लेकिन वो जो 34 कैंडिडेट्स थे सर वो रिजर्व कैटेगरी के वहां पे, क्योंकि वो बीच में एंटर हो गए सर, तो उससे इसलिए क्या फर्क पड़ता सर है? वो कैंडिडेट कंप्लीट हमने बुलाए। कहाँ बुलाए हैं? 5715 आपने बुलाए हैं? सर जो हमने 5715 कैंडिडेट्स बुलाए इसमें 34 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के थे और जो शेष कैंडिडेट्स थे वो अनरिजर्व कैटेगरी के, तो तो मतलब 34 प्लस 5 हमने सिक्स बुलाए एट पूरे वन कैंडिडेट्स को। 34 भी बुलाए थे यस आपने, सर, जो 15 टाइम्स हमको कॉल करना था तो 15 उसमें टाइम्स कॉल मैं मतलब किया था। 34 कैंडिडेट से जो आप जो बता रहे हैं, ये शॉर्ट बता रहे हैं, वो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी थे और वो जनरल वाली लिस्ट में इंक्लूडेड यस नहीं सर थे? यस सर। ये इन्हें रिजर्व कैंडिडेट अलग खुलवाए हैं, डबल नहीं, ट्रिपल वो रिजर्व नाइन कैंडिडेट 34 कैंडिडेट से दे वेयर मेरिटोरियस, देयर फोर दे वेयर कॉल्ड अलॉन्ग विद द जनरल कैंडिडेट्स। उनको 57 सौ कॉल करना नहीं चाहिए, तो 57-15 है ना, 56-81 और 34 अलग से। 34 तो कहीं दिख ही नहीं, एक्सप्लेन थर्टी करो सर। फोर तो कहीं सर दिख जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम सर उसको प्रिलिमिनरी स्टेज में कैटेगरी वाइज इसलिए बनाते हैं क्योंकि सर हो सकता है कि वो ST कैटेगरी जो अभी मेरिट रिसेंट लिस्ट आपने मार्क्स बनाई भर के है? आया मेरिट लिस्ट आपने सर बनाई ये है? जी मेरिट लिस्ट कहाँ पर है? सर प्रेजेंटली मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे लिस्ट बनी सर वो कैंडिडेट जो अभी अनरिजर्व में अरे हम घुस आपकी गया। बात समझ गए, मेरिट लिस्ट आपने बनाई है, तो यस सर मेरिट लिस्ट में आप ये बताइए कि 1 से लेके 5715 तक इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी हु वेयर द कैंडिडेट्स अप टू 5715 हु फाउंड देयर नेम्स इन दैट लिस्ट, हु गॉट देयर नेम्स इन दैट लिस्ट। और 5715 में चाहे वो SC कैंडिडेट हो, ST का हो, OBC का हो, उससे मतलब नहीं है, जनरल का हो। 5715 की लिस्ट आपने पहले बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हमने 57-15 की लिस्ट बनाई है सर, लेकिन जब वो जारी होती है सर
तो तो उसको हमने कैटेगरी वाइज ऐसे आपने डालना अलग किया पड़ेगा था, उसको। और मेरिट लिस्ट तो एक आपका एक साथ ही होगा ना, जी मेरिट लिस्ट तो एक साथ होना चाहिए सर, कहाँ पर ये है? तो प्राइमरी स्टेज है सर, वो तो प्राथमिक सब कुछ हो गया, तब तो अपॉइंटमेंट भी हो गए, प्राइमरी सर 34 स्टेज कैसे हो गया? सर। एसटी के जो कैटेगरी, नहीं आप जो बोल रहे हैं सर वो जो प्रीलिम्स एग्जाम मेरिट दिए लिस्ट हैं आपकी उस कहाँ पर है मैडम? सर, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट मेरिट बनी लिस्ट कहाँ है? सर, एसटी कैटेगरी प्लस 34 है सर, जितने कैंडिडेट मेरिट हैं लिस्ट कहाँ है मैडम? उसमें सर मेरिट लिस्ट होगा हमारे साथ में, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है सर प्राथमिक प्राइमरी वाली। मेरिट लिस्ट दिखाइए आप, कि आपने 57-15 की लिस्ट बनाई थी, 15 टाइम्स ऑफ 381, टोटल पोस्ट कितने थे? 381 थे ना जनरल के लिए, तो जनरल की मेरिट लिस्ट बनी थी, 57-15 की लिस्ट बनी थी, और उसमें कौन किस कैटेगरी का है वो बाद की बात है। लेकिन आपको तो पहले की आप जो रिजर्व कैटेगरी से भी हैं, अगर जनरल में आ गए हैं तो दे आर जनरल कैंडिडेट्स, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दे आर रिजर्व, तो उनकी लिस्ट अलग से बनेगी। 57-15 की एक स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट होनी चाहिए, कि 381 के आपने 15 टाइम्स बुलाए हैं, तो उसके बाद आप भले करते रहिए, क्योंकि उनका जो 34 है, अगर जनरल रिजर्व कैटेगरी के 34 आ भी गए हैं इस लिस्ट में जनरल वाले में, तो जो रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट है उसमें से कुछ कम नहीं होना है, वो तो एज इट इज ही रहेगा। सर प्रेजेंटली मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, मुझे उसके लिए थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आज लिस्ट मंगवा लूंगी। सर ठीक है, चलिए इस केस को अभी छोड़िए। मिस्टर कोटेचा, आपका और कोई है? नहीं बस चलिए, आपकी छुट्टी, आप आराम करिए, इसको फिर बाद में करेंगे कॉल, जब ये लिस्ट आ जाएगी इनकी तब कल कॉल कर सकते हैं। यस अभी तो मैडम रुकेंगी 1-2 दिन। सर सीरियल नंबर यस, नेक्स्ट 55, सर रविश। अनीता नाग परमार 5:30 अच्छा, इनके नंबर जो दिखाइए लिस्ट जो है इनके, लगा है रिटर्न में इनके? सर। अनीता नाग परमार एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है सर। अच्छा, इनके लॉन्ग जंप का जो स्कोर है सर ये इनके में भी आपने R1 लगाया है मिस्टर गुरु, कितने नंबर पे है इनका नाम? 692 692, 692 692 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है हमको। अच्छा, वाले दूसरे लाइन में है। अच्छा ठीक, 692, इसमें तो आपने अलग अलग से कुछ नहीं दिया है। 12 24 24 00 60, मतलब इनको भी 90 से कम मिला। अब इनका हमको डिटेल बता दीजिए, वो भी सेटिस्फाई हो जाए, कोर्ट भी सेटिस्फाई हो जाए। यस सर। सर लॉन्ग जंप में डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था 265 सेंटीमीटर्स, 265, इनको कितना मिला शी था? गॉट 12 मार्क्स सर। ट्वेल्व, यस, देन हाई जंप में 97 सेंटीमीटर क्रॉस किया था सर 97 सेंटीमीटर, तो जी, इनको कितना उसने मिला? 24 नंबर ऑप्टेन किया था सर, चौबीस, फीमेल कैंडिडेट है सर। यस, और देन सर शॉर्ट पुट में 570 मीटर क्रॉस किया था, 5.70 मीटर, इनको कितना मिला? 24 नंबर मिला था चौबीस सर। मिला। फिर हाई जे, और वो 100 मीटर, 15 में 100 मीटर 19.77 में किया है सर। 19.77 सेकेंड, यस, और 1500, 692 में किया है सर। 692 सेकेंड, यस तो इन दोनों में इनको 0 मिले, सर, तो दोनों में 0 मिले हैं सर, 100 और 5 रुपए ही आउट मिले। ऑफ 90 सी सिक्योर्ड ओनली 60। 60 60 मार्क्स सर। यस भाई, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनके में भी ऐसी कर दीजिएगा जो पहला ऑर्डर लिखे है ना मैडम, वैसी कर दीजिएगा। लॉन्ग जंप 2.65 मीटर, 12 मार्क्स वेर अवार्डेड, एक लिस्ट चार्ट बना लीजिएगा। लॉन्ग जंप 2.65, 12 मार्क्स, हाई जंप 97 मीटर, 24 मार्क्स, शॉर्ट पुट 5.70 मीटर, 24 मार्क्स, 100 मीटर्स 19.71 सेकेंड, 00 मार्क्स, और 1500 में 692 सेकेंड्स, 00 मार्क्स, और बाकी वही लिख के इनको भी डिसमिस कर दीजिएगा। मिस्टर रविंद्र शर्मा, मिस्टर बीडी गुरु, पूरा सेम डाल दीजिएगा। सर और तो नहीं है अब? देन नहीं, क्या है, फिफ्टी डाउट क्लियर होना चाहिए, मन मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, डिसमिसल या अलाउ होना तो सेकेंडरी है।
और यह कि मन में यह शंका नहीं रहनी चाहिए कि हमारा रिजेक्ट क्यों हुआ, इसीलिए हमने रिकॉर्ड के साथ मैडम को बुला लिया था। यस मैडम, अब आइए आप आइटम नंबर 56 में। 56 अभिनव काडेकर, अभिषेक पांडे, आप आ गए पांडे जी। एक आपका 74 इन्फेक्शस कर दिए हैं, इसमें बताइए आपका क्या है। हाँ इसमें भी आपको 0-0 मार्क्स मिले हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है, बस अभी क्लियर हो जा रहा है। यस मैडम बताइए इनको कितना मिला लॉन्ग जंप में। सूरज भान बड़े सर, सीरियल नंबर 56 में 515/13, 515/13 में, सॉरी मतलब याचिका नंबर सर, अरे वो नहीं बताइए कितना लॉन्ग जंप है। थ्री लॉन्ग जंप 380 मीटर, सॉरी 380 सेंटीमीटर है सर, 3.80 मीटर, कितना मिला इनको। 12 मार्क्स। 12। हाई देन हाई जंप जंप 122, 120, 1.22, यस सर, कितना मिला। 12 मार्क्स 12 मार्क्स। सर। मेल कैंडिडेट शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट 876 सेंटीमीटर सर, 8.76 मीटर, इनको कितना दिए। 60 मार्क्स। 60 मार्क्स। फिर देन 100 मीटर रनिंग में, 100 में 14.43 सर, 14.43, कितना मिला। 36 मार्क्स सर, 36। फिर 1500 में अपीयर नहीं हुआ है सर, 1500 नॉट पार्टिसिपेटेड। नॉट पार्टिसिपेटेड। आपका क्या कहना है। माय सबमिशन इज दैट जैसे पहले ऐसा ही रिजल्ट एग्जाम होता और था इसमें डॉक्टर क्वालिफाइंग कितना था मेल के लिए, सर, सेम 90 90, तो 90 पास 60, 36, 96, एक तो सौ इसमें तो ज्यादा हो गए, तो 120 नंबर मिले हैं सर। फिर क्यों नहीं हुआ। या कहीं पे ये कंडीशन है क्या कि कोई किसी एक इवेंट में अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो ही वुड बी डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड, ऐसा है क्या कहीं पे। हाँ सर सूरज भान बर्रे, सर जब हम फॉर्म कॉल करते हैं तो उसके बाद उसका पीएससी टेस्ट एक होता है सर, जिसमें मेजरमेंट लिया जाता है, तो सूरज भान बर्रे का जब मेजरमेंट लिया गया था सर, तो उसका क्राइटेरिया एक फ्लैट फुट और नॉकनी का भी है सर, तो ये फ्लैट फुट में पार्टिसिपेट, मतलब ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट को इसने क्वालिफाई कर लिया था। जी यस कर लिए थे आप। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इसने क्वालीफाई कर लिया था लॉर्डशिप, उसके बाद ये दौड़ दौड़ तो उसके बाद उनको परमिट किया गया। इनके मार्क्स ज्यादा है आउट ऑफ 300 नहीं, आपको बता रहे हैं दो चीज बता रहे हैं, एक फ्लैट फीट का है और दूसरा क्या बताइए मैडम। सर, फ्लैट फुट फ्लैट फुट तो हो एंड गया और नॉकनी, नॉक नी। यस सर, नॉकनी क्लियर था सर उसका, लेकिन वो कैंडिडेट फ्लैट फुट था। फ्लैट फुट के बारे में क्या कहेंगे। के बारे में हम ये कहेंगे लॉर्डशिप की पहले ये नाप जोख होता है, उसके बाद इनको दौड़ दौड़ पे सबमिट किया जाता है। अलियर ही हैज बीन क्वालिफाइड इन द फ्लैट अच्छा वो फुट, तो देयर आफ्टर पार्टिसिपेटेड इन द फिजिकल पहले इन्हें कोई सर्टिफिकेट मिला था कि आप क्वालिफाई कर लिए हैं। वो फिजिकल टेस्ट है जो फ्लैट फुट का है और नॉक नी वाला वो एग्जामिन हो गया था, उसमें आप क्वालिफाई हो गए थे, ऐसा कोई जी, मैडम उसमें इनको एडमिट कार्ड जारी किया गया है लॉर्डशिप। क्यों किया आपने। सर अगर ये क्वालिफाई पहले नहीं होते तो वो नहीं करना था सीक्वेंस क्या था आपके एग्जामिनेशन का जो भी थे, तो जी। जो पहले फ्लैट फुट और नॉक नी हुआ कि पहले दौड़ा भगा दिया आप। सर एज पर एसओपी जब फॉर्म कॉल करते हैं, टोटल 22,533 फॉर्म्स आए थे सर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका मेजरमेंट लिया गया था सर, क्योंकि वो इतने ज्यादा कैंडिडेट थे सर, हाइट चेस्ट वगैरह सब यस सर, आपने फ्लैट किया। फुट नॉकनी हाइट एंड चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट सर। तो सर इतना करने के बाद में फिर उनका प्रिलिमरी एग्जाम हुआ, देन मेन रिटर्न एग्जाम हुआ, और फिर सर जब ग्राउंड पे इनका फिजिकल टेस्ट होना था, जिस दिन सारे पांचों इवेंट होने थे, उस दिन मॉर्निंग में फिर से एसओपी मतलब में कैसे यह है सर, कि आपने उस समय इनको ऐसे सुपरफिशियली एग्जामिन किया था तो कोई आपने इनमें कमी नहीं पाई, पर बाद में ये पता चला कि इनका फ्लैट फ्लैट फुट फूट है, जी इसलिए इसको आपने रिजेक्ट कर सर। दिया। मॉर्निंग में जब फ्लैट फुट हुआ तो कैंडिडेट्स को वहां पे ऑप्शन दिया था सर कि मतलब उनको समय मिल सके, तो फ्लैट फुट जो भी कैंडिडेट निकला या फिजिकल में जो भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम निकली थी सर, इनको मेडिकल बोर्ड से चेकअप करवाया गया, तो मेडिकल बोर्ड के चेकअप
वो क्योंकि सर क्योंकि पूरा मेडिकल बोर्ड चाहिए तो इसमें समय लगता है, तो कैंडिडेट से ये पूछ लिया गया कि अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं तो कर सकते तो हैं, पर मेडिकल क्योंकि बोर्ड ने इनको एग्जामिन किया था, जी कहाँ है हाँ लेकिन उस सर्टिफिकेट? दिन नहीं हुआ सर, आज मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आप है इसका सर्टिफिकेट जी इसका कि सर्टिफिकेट मिलेगा सर मेडिकल मेडिकल बोर्ड ने बोर्ड से। इनको अनफिट पाया है? ठीक यस है, इसको आप पेश करिए, उस सर्टिफिकेट कल बुलवा लीजिए, उसमें यस मेल में पास हुआ अगर होगा फ्लैट फुट मेडिकल बोर्ड से मिस्टर पांडे, देन यू हैव नो केस। इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि केस हम कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं कल या परसों जैसा भी रहेगा, तो इसको देखेंगे उस सर्टिफिकेट आपके महकमे। मैडम नोट कर लीजिए, इसको बुलवा लीजिए। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।